एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शोमा और आप देख रहे हैं इंडियन यूट्यूबर शोमा एंड सन्स। तो अब दशहरे और करवा चौथ के बाद दिवाली यानी ग्रैंड फिनाले की बारी है। तो आज से लेके दिवाली तक मैं आपसे अपने घर के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज का डेकोरेशन शेयर करूंगी, क्योंकि ये आप लोग ने बहुत डिमांड किया था मुझसे। तो मैंने सोचा कि दिवाली है, दिवाली के टाइम पे हम लोग कुछ स्पेशल डेकोरेशन करते हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी। अभी आज जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, ये मैंने बनाया है कि कैसे करके मैंने अपने डाइनिंग टेबल को डेली बेसिस पे मैं सजाती हूँ, किस तरह से उसमें चेंजेस, क्योंकि एक जैसा काफ़ी टाइम तक रहता है तो बोरिंग लगने लगता है। तो इसको मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सजाती हूँ। तो कैसे मैं उसको अपने कुछ कुछ जो निक नैक चीज़ें घर के अंदर ही होती हैं और डाइनिंग टेबल के ऊपर रखने वाली चीज़ें होती हैं, उनसे मैं उसको कैसे डेकोरेट करती हूँ, ये मैंने दिखाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा डाइनिंग टेबल है, ये 4 सीटर है, वुड का है और ये बेज कलर में है। तो क्योंकि हमारे घर में एक बेबी भी है, तो उसके जो बेबी चेयर है वो साथ में ही रखा रहता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो इसको डाइनिंग टेबल के पास कर लेते हैं। और ये काफ़ी छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा है। ये मेरा सोफ़ा है और सोफे के ऑपोजिट ये रखा हुआ है। तो ये इसका लिविंग रूम का टूर मैंने अलग से बनाया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। तो ये डेली बेसिस पे मेरे यहाँ डाइनिंग टेबल पे जो चीज़ें रहती हैं वो है, एक ग्लास की प्लेट में या ट्रे में मैं 2 ग्लासेस रखती हूँ जो थोड़े अच्छे से हैं। और उसके पीछे मैंने अपनी एक वाटर बॉटल रखी है जो कांच की है, तो ये हमेशा यहाँ पे पानी भर के रखा रहता है ताकि किसी को भी पीना है तो वो यहीं से निकाल के ले सकता है। और कभी कभी कुछ अगर मेरे पास नेचुरल फ्लावर्स रहते हैं तो मैं नेचुरल फ्लावर्स के लिए एक छोटा सा फ्लावर वॉश इसी के साथ में रख देती हूँ। इसमें पानी भर के और नेचुरल फ्लावर्स में डालने से वो करीब 1 हफ्ते तक चल जाता है और इससे लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। जैसे कि मैंने अभी जो डाले हैं वो डार्क पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, तो वो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर कभी इसमें थोड़ा सा और मैं टच ऐड करने के लिए इसके नीचे एक नॉर्मल सा रनर बिछा देती हूँ। ये रनर कॉटन का है और ये मेरे लिविंग रूम के थीम से बिल्कुल मैच करता हुआ है, बेज गोल्डन एंड ब्राउन। और फिर इसी के ऊपर मैं अपनी वो प्लेट सजा देती हूँ। प्लेट को मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल बीच में रखूँ ताकि अगर सब तरफ से, अगर जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो सब तरफ से हम लोग बैठते हैं तो हमें कोई भी चीज़ हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे अपना डाइनिंग टेबल थोड़ा सा खाली अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा क्लटर अच्छा नहीं लगता, कि जब हमें यूज़ करना हो तो हमें बहुत सारा सामान हटाना पड़े। तो जो मेरे चेयर्स है उसके ऊपर जो कारपेट आती है स्क्वायर शेप में छोटी, वो मैंने बिछाई हुई है और साथ में एक कुशन भी रखा हुआ है हर चेयर पे। तो ये मैंने सामने की चेयर हटा दी ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो जैसा कि आपने वॉल पे देखा कि मैंने वहाँ पे एक गोल्डन कलर का फ्लावर लगाया हुआ है, तो ये पूरे डेकोर को अच्छे से मैच करता है। फिर कभी कभी इसमें थोड़ा सा और आर्टिस्टिक टच देने के लिए मैं साथ में एक 2 लालटेन रख देती हूँ दोनों तरफ। और थोड़ा ब्राइटनेस करने के लिए साथ में मैं 2 कैंडल स्टैंड भी रख देती हूँ। इसे कभी कभी स्पेशल ओकेजन्स पे हम लोग जला भी लेते हैं। फिर नेक्स्ट अरेंजमेंट के लिए मैंने कॉटन का एक प्लेसमेंट मैट चूज़ किया है जो कि रेड कलर का है, जो मेरे डाइनिंग टेबल पे मैच करता है काफ़ी अच्छे से। तो उसके ऊपर सिंपल मैंने एक अच्छा लिफ्ट देने के लिए एक प्लांट लगाया, ये भी नेचुरल है, बैम्बू प्लांट है। तो इसके आसपास थोड़ा सा और डेकोरेशन करते हैं। मैंने 2 जो लालटेन मेरे पास हैं, ये बेज कलर, थोड़े लाइट बेज पे हैं, ये ऑफ वाइट भी कह सकते हैं,
और वो रखे, और उसके आगे मैंने अपने कैंडल्स रख दिए जो कि रेड कलर के हैं और काफ़ी अच्छे से मैच कर रहे हैं। इसका लुक बहुत अच्छा आता है देखने में, सिंपल भी है और एलिगेंट भी लगता है। फिर मैंने लैम्प्स को थोड़ा नीचे कर दिया है और बगल में कैंडल्स को इस तरह से अरेंज कर दिया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, इससे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और बैम्बू के नीचे क्रिस्टल टॉर्टोइस रखना बहुत अच्छा माना जाता है, काफ़ी ऑस्पिशियस होता है, तो मैंने एक क्रिस्टल का टॉर्टोइस भी वहीं पर रख दिया। इससे मेरे डाइनिंग टेबल पे स्पेस भी है काफ़ी, और उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, प्लस बीच में सजा हुआ हुआ भी है। तो जिनके छोटे डाइनिंग टेबल है जिन लोगों के पास, वो इस तरह के अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। बड़े में तो बहुत स्कोप होता है, लेकिन छोटे में थोड़ा कम स्कोप होता है डेकोरेशन के लिए। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और अच्छा टच देने के लिए एक गोल्डन प्लेट थी वो मैंने इस पे लगा दी है, और बाकी चीज़ें हटा दी हैं, जैसे कि मैंने लैम्प हटा दिए हैं और कैंडल्स रख दी हैं, क्योंकि कैंडल्स इसके संग मैच कर रही थी, तो कैंडल्स मैंने लगी रहन दी। तो ये ग्रीन प्लांट का कलर और गोल्डन और रेड से काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा था, बहुत अच्छा लगता है ये अरेंजमेंट इस तरह से। तो ये जैसे मैंने वॉल पे भी इसी सेम थीम से मैच करता हुआ पेंटिंग लगाया हुआ है, और एक साइड में गोल्डन सन लगा हुआ है, तो वो भी इससे अच्छे से मैच करता है। प्लस जो डाइनिंग टेबल के कॉर्नर पे मैंने आर्टिफिशियल ड्राई फ्लावर्स रखे हैं, वो भी इसी से मैच करता हुआ है। तो नेक्स्ट अरेंजमेंट के लिए मैंने एक गोल्डन प्लेसमेंट मैट लिया है, ये आपको कहीं भी मार्केट से आराम से मिल सकता है, बहुत अच्छे से डिज़ाइंस में ये आता है। और उसके ऊपर मैंने सिर्फ एक सिंपल सा फ्लावर पॉट पहले रखा, ये भी अरेंजमेंट अच्छा है, इस तरह से सिंपल भी है और देखने में अच्छा भी लग रहा है, पर इसको थोड़ा और क्रिएटिव बनाते हैं। तो आगे मैंने इसके एक बुद्धा की स्टैचू थी मेरे पास, तो ये पूरा एक सेट है स्टैचू विथ टू कैंडल्स, तो ये मैंने एक वो रख दिया, सेट रख दिया, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। गोल्डन प्लेसमेंट मैट के ऊपर ब्राउन कलर के एक बुद्धा जी रखे हुए, और पीछे फ्लावर्स अच्छे लग रहे हैं देखने में, और साथ में मेरे पास जो रेड लाइट्स है वो मैंने रख दी हैं, क्योंकि ये थीम के संग काफ़ी अच्छे से मैच करता है। इस समय मेरे डाइनिंग टेबल पे जो कुशन्स हैं वो भी रेड कलर के हैं, तो ये अच्छे से मैच कर रहा है पूरे डेकोर के संग। तो ये काफ़ी सिंपल सा है, लेकिन काफ़ी आई कैचिंग है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। और पूरे थीम के संग अच्छे से मैच भी हो रहा है, अच्छे से जा रहा है ये, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट अरेंजमेंट के लिए मैंने लिया है एक कलरफुल सा प्लेसमेंट ये टेबल रनर, और ये काफ़ी अच्छा ब्राइट कलरफुल सा है, और इसका जो बेस है ये बेज कलर का है, तो इसलिए ये बाकी डेकोर के संग अच्छे से मैच भी हो रहा है, और ये स्पेशल ओकेजन्स के लिए आप कर सकते हैं। तो इस पे मैट पे मैंने एक गोल्डन कलर की प्लेट रखी है, आप कोई भी प्लेट यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास है, अगर पीतल की हो तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। और साथ में मैंने दो बड़े कैंडल स्टैंड्स ले लिए हैं, और बीच में मैंने अपना फ्लावर पॉट रख दिया है। तो ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है,
लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा और क्रिएटिविटी ऐड करें तो हम इसमें थोड़े से रेड मार्बल्स हैं मेरे पास, वो भी डाल सकते हैं। तो ये रेड मार्बल्स डालने से और रेड कलर पॉप आउट हो रहा है और ये काफ़ी अच्छा लगता है। अब एक और फाइनल अरेंजमेंट, तो मैंने ये रेड प्लेसमेंट मैट पहले डाली है और ये मुझे मैट बहुत अच्छी लगती है, और इसके ऊपर से मैंने जो मेरे जाली वाली गोल्डन प्लेसमेंट मैट है ये डाल दी है, तो नीचे से थोड़ा सा रेड का इफ़ेक्ट भी दिख रहा है और साथ में ऊपर वो गोल्डन भी है। तो वो करके फिर मैं इसके आगे बैम्बू रखा है, थोड़ा पीछे की तरफ हटा के रखा है, और आगे मैंने जो बुद्धा स्टैचू थी वो मैंने लगा दी है। और साथ में मैंने जो स्टैचू के संग कैंडल्स थी उनको हटा के उनकी जगह पे रेड वाली जो कैंडल्स थी वो लगा दी है। और आगे मैंने एक गोल्डन फ्लावर लोटस था मेरे पास, ये एक कैंडल स्टैंड है, ये मैंने लगा दिया है। और कुछ और कैंडल्स थी मेरे पास, मैंने पीछे वो भी लगा रखी है, और आप चाहें तो नई भी लगा सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी हैं उन्हीं से मैंने डेकोरेशन करने की कोशिश की है, और ये इस तरह से लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। ब्राउन, ग्रीन, रेड और गोल्डन काफ़ी अच्छा और ब्राइट लग रहा है देखने में, तो स्पेशल ओकेजन्स पे मैं ऐसे करती हूँ। और आप भी देख सकते हैं, मैं आपको उसका एक क्लोजअप दिखाती हूँ, ये इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा है और ये पूरे थीम के संग बहुत अच्छे से मैच हो रहा है। कई बार छोटे छोटे अरेंजमेंट बड़े अच्छे लगते हैं, निक नैक चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल हैं आप उन्हीं से कर सकते हैं, और आप भी ट्राई करके देखिए इसको। ताकि मैंने डाइनिंग टेबल किस तरह से सजाया, ये डेली बेसिस पे कैसे मैं डाइनिंग टेबल को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से सजाती हूँ, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे ज़्यादा स्कोप नहीं होता है, इसलिए इस तरह की डेकोरेशंस करने से थोड़ा चेंजेस फील होता है और अच्छा लगता है, नहीं तो एक ही जैसे डेकोरेशन से हम लोग बोर हो जाते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में आप सेंटर टेबल की डेकोरेशन देखेंगे कि वो मैंने सेंटर टेबल को कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से सजाया है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपने घर में जो क्रिटिकल कॉर्नर्स होते हैं उनकी डेकोरेशन चेंज करती रहती हूँ, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अभी से लेके दिवाली तक मैं इस तरह के मैं बहुत सारे वीडियो शेयर करूँगी, तो आप बिल्कुल भी मेरे वीडियोस को मिस मत कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस, एंड मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं नहीं रुक जाओ, रैप की तरह बोलिए। अच्छा।